दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ साइंस प्रोग्राम में। जैसा कि हम आप सभी के सामने एग्जाम सीरीज को लेकर उपस्थित हैं, ये एग्जाम सीरीज आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। हम आपको टेक्निक बाय टेक्निक कम समय में अधिक नंबर कैसे लाया जाए ये सिखा रहे हैं। इस कड़ी में मैंने आपको शानदार तरीके से ऑप्टिक्स के रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाएं, शानदार तरीके से कैसे रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल सोल्व किए जाएं आपके साथ शेयर किया है। आज इसी कड़ी में इमेज कैसे बनते हैं इस पर आपका ध्यान आकर्षण करते हैं, क्योंकि यह टेक्निक एग्जाम में जरूर आती है। साथियों, आप सभी जानते ही हैं कि लेंस और मिरर हमारे ऑप्टिक्स के मुख्य इंस्ट्रूमेंट हैं। लेंसेज के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जबकि मिरर्स के अंदर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाम की फेनोमेना होती है। फॉर रिफ्रैक्शन लेंसेज एंड फॉर रिफ्लेक्शन मिरर्स। तो साथियों, लेंसेज के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है कि लेंसेज दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। कन्वेक्स लेंस आर दोज लेंस विच आर थिक इन मिडल एंड थिन एट एज। जो किनारे पर पतला है, बीच में मोटा है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। बट कनकेव लेंस आर विच इज थिन एट मिडल एंड थिक एट एज। जो थिन है बीच में और थिक है एज पर, वो है कनकेव लेंस। इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। साथियों, कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस को इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कन्वर्ज करने के काम आता है, जबकि डाइवर्ज करने वाले लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम उसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब कन्वेक्स और कनकेव में इमेज कैसे फॉर्म होता है, चलिए हम आपको टेक्निक बाय टेक्निक सिखाते हैं। बहुत ही आसानी से आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं किसी भी लेंस का। जैसे मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, इसके हमें इमेज फॉर्मेशन की बात करनी है। तो स्टेप नंबर वन, हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बना दिया। यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पार हुआ, ये लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ओके। और यह फोकस है, लेफ्ट वाले को हम एफ वन ले लेते हैं, राइट वाले को हम एफ टू ले लेते हैं, ये हम टू एफ वन ले लेते हैं, ये टू एफ टू ले लेते हैं, राइट। और मान लीजिए कोई भी लाइट यहाँ पर टू एफ वन के पीछे है, टू एफ वन के पीछे है, तो क्या होगा? देखिए, बहुत ही आसानी से इमेज फॉर्म कर सकते हैं आप। कहीं भी पोजिशन दे, आपको लॉजिक ही लगानी है। आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पे दे दे, लॉजिक यही लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है? कि यहां से लाइट गया, पहली लाइट जाती है, पहली रे जाती है, फोकस के आगे झुक जाती है, क्योंकि इसका काम है कन्वर्ज करना, तो झुका देगा ये। तो पहली लाइट जो है वो जाएगी और फोकस के आगे झुक जाएगी। तो पहली लाइट गई, फोकस के आगे झुक गई, कन्फर्म। और सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से आर पर हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर के आर पर हो जाएगी। तो जहां ये इमेज बनेगा, जहां पर ये दोनों मिलेंगे, वहां पर इमेज बन जाएगा। कितना आसान है, देखिए आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन बताया गया होगा। अगर मान लीजिए टू पॉइंट के पीछे में कहीं लॉजिकल मान लिया कंडीशन, तो आपको सिंपल डायग्राम बनाना है। पहली रे जाएगी, फोकस के आगे झुक जाएगी, सेकेंड रे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आर पर हो जाएगी, जहां दोनों मिलेंगे वहां पे गॉर्जियस इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट को हम जनरली ए बी से दिखाते हैं, और इमेज को हम यहां पे ए डैस बी डैस से बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब 2f1 से पीछे होगा ऑब्जेक्ट,
तो इमेज एफ और टू एफ के बीच में बनेगा, और ये भी क्लियर है कि उल्टा बनेगा क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे, तो इमेज यहाँ पर उल्टा बनेगा, है ना, बिल्कुल आसान। तो बड़ा इजी तरीके से आप इमेज बना सकते हैं। आपको बस एक सिंपल मंत्र याद रखना है, पहली रे जाएगी फोकस के आगे झुक जाएगी और सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से आर पार हो जाएगी, क्लियर। कुछ और लॉजिक सिखाते हैं, जैसे थोड़ा और आइडिया ले लेते हैं। मान लीजिए सेम वही कॉन्वेक्स लेंस है, ये एफ वन है, ये टू एफ वन है, एफ टू टू एफ टू, सिंपल वही बात। और इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, टू एफ पर, तो वही बात, पहली रे जाएगी फोकस के आगे झुक जाएगी, पहली रे जाएगी फोकस के आगे झुक जाएगी, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से आर पार हो जाएगी। जो सेकंड रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से आर पार हो जाएगी, तो जहां दोनों मिलेंगे वहां इमेज बन जाएगा, पक्का। सिंपल लॉजिक लगाना, पहली रे जाएगी फोकस के आगे झुक जाएगी और सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से आर पार हो जाएगी, जहां दोनों मिलेंगे वहां इमेज बनेगा, और ये इमेज आपको 2F पर ही बनता दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो अगेन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा, 2F पर बनेगा और रियल बनेगा, है ना। तो साथियों, कोई भी कंडीशन आपको दिया गया हो, आपको बस यही मंत्र जपना है, पहली रे जाएगी फोकस करके झुक जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से आर पार हो जाएगी। एक और एग्जांपल देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। जैसे इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो 2F और F के बीच में आ गया, 2F और F के बीच में आ गया, यहां पे आ गया, तो क्या होगा, सेम वही लॉजिक लगाएंगे हम, सेम वही तरीका लगाएंगे हम। क्या तरीका है बोलो, पहली रे जाएगी फोकस के आगे झुक जाएगी, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से आर पार हो जाएगी, जहां मिलेंगे वो इमेज बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज बनेगा वो 2F के बाद बनेगा, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इमेज पीछे होता जाता है। जैसे हम 2F1 के पीछे थे तो इमेज F2F के बीच में था, हम 2F1 पे गए इमेज 2F2 पे बना, हम F और 2F1 के बीच में हैं तो इमेज 2F2 के पीछे बना। तो ऐसे ही हर तरह की इमेज आप बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैं एक जनरल आइडिया आपके सामने पेश किया कि अगर आपको कोई भी कॉन्वेक्स लेंस दे दिया जाए और किसी पोजीशन पर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया जाए तो आप आसानी से इमेज फॉर्म कर सकते हैं। आपको जो पोजीशन दी होगी उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखना है, दो रे वहाँ पर से भेजने हैं, पहली रे फोकस करके झुकेगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ इमेज बनेगा। और आप ये भी देख सकते हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नज़दीक आता है वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर होता चला जाता है। ये एक सिंपल तजुर्बा की बात बताई। अब हम कनकेव की बात करते हैं। जैसे ये कनकेव लेंस आ गया आपके सामने और हमें पता करना है कि कनकेव के द्वारा इमेज कैसे बनेगा, कनकेव के द्वारा कैसे इमेज बनेगा, सेम वही लॉजिक आप यहां लगा सकते हैं, सेम यही लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो क्या होगा, सेम वही लॉजिक, पहली रे जाएगी और फोकस के आगे झुकना चाहेगी, पॉइंट टू बी नोटेड इस बार डाइवर्ज होगा तो ऐसा महसूस होगा जैसे ये फोकस पे ही जा रहा है। साथियों, जब लाइट जाएगी तो कनकेव लेंस उसे डाइवर्ज कर देगा,
डाइवर्ज कर देगा, मतलब वो फोकस पर मिलती हुई महसूस होगी। मतलब एक दो प्रकार के इमेज होते हैं, रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। रियल इमेज मतलब मिल रहा है, वर्चुअल इमेज मतलब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉइंट ल्यूमिनेटेड, रियल माने मिल रहा है, वर्चुअल माने मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली रे गई डाइवर्ज हो गया तो हमें लगा भाई फोकस पे आ रहा है, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर शार्प पर हो जाएगी, तो जहां पे दोनों मिलेंगे वहां पर इमेज बन जाएगा। ये मान ले ए बी है, ये आपका ए डैश बी डैश बन गया, समझे। तो कोई भी लेंस हो, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, आप आसानी से इमेज बना सकते हैं। यही बात आप यहां पर मिरर के लिए भी करते हैं। मिरर आपको याद है, मिरर जो होता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे एक एग्जांपल पे आपको बताते हैं, दो प्रकार के मिरर पढ़े आपने, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो आप मिरर के लिए भी इसी प्रकार से इमेज बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने कनकेव मिरर ले लिया, दिस इज कनकेव मिरर, और हमें इसके लिए इमेज बनाना है, तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे, ये मिरर का पोल हो गया, क्या हो गया, पोल, सेंटर जो होता है ना वो पोल कहलाता है। इसी प्रकार से यह फोकस हो गया, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो क्या होगा, पहली रे जाएगी फोकस से आगे झुक जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा, सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। पहली रे जाएगी रिफ्लेक्शन होके फोकस के आगे झुक जाएगी, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आर पार हो जाएगी, तीसरा पोल से टकराएगी और फिर वहां से रिफ्लेक्शन होगा और मिल जाएगी। तो जहां ये तीनों मिलेंगे वहां पर इमेज बन जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान, बहुत इजी लॉजिक से आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि कैसे इमेज बना। देखिए ये आपका कनकेव मिरर है, बाहर वाला हिस्सा कॉनिस है, अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है, यह फोकस है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट ले लिया, ये आ गया तो सारे आ जाएंगे आपको। पहली रे जाएगी फोकस के आगे झुक जाएगी, पहली रे जाएगी फोकस के आगे झुक जाएगी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आर पार हो जाएगी, और तीसरी रे पोल से टकराएगी और पोल से टकराकर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जहां पर ये मिलेंगे वहां इमेज बन जाएगा। तो ये गॉर्जियस इमेज आपका बन गया। आप इसे ए भी लिखिए, इसे ए डैश बी डैश लिखिए, समझे ना। तो कोई भी लेंस हो कोई मिरर हो, आप आसानी से इस मंत्र जाप करके, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बड़े गॉर्जियस तरीके से उसे बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपको जो हमने टेक्निक सिखाया है लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन की, मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन की, यह अवश्य आपको समझ में आ गई होगी। तो पूरे जोश के साथ पूरे जज्बे के साथ आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम दी बेस्ट होगा। और कोई भी समस्या हुआ हमसे पूछिए, हम आपको उसका समाधान जरूर करेंगे। हम आपके साथ हैं और आपके पेपर के अच्छे नंबरों की शुभकामना करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे हंसते मुस्कुराते पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे और एग्जाम में दी बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए धाकड़ कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय।